हिमाचल में मनाली व लाहौल घूमने के इच्छुक और बर्फ देखने के शौकीन लोग बेसब्री से रोहतांग दर्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रा बहाल कर दिया है। बुधवार देर रात तक सड़क के दोनों छोर एक दूसरे से मिला दिए गए हैं। जाहिर है कि जल्द रोहतांग दर्रा से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। 13,050 फीट ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा लगभग 7 महीने बाद बहाल होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार मई महीने में भी रोहतांग में कई बार बर्फ गिरी है, इस वजह से रोहतांग दर्रा बहाल करने में देरी हुई। अब सड़क को 2 लेन यानी चौड़ा किया जाएगा और गाड़ियों की क्रॉसिंग व पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। बीआरओ ने दर्रा को बहाल करने के लिए मनाली और लाहौल के कोकसर की ओर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। बेशक लाहौल जाने के लिए अब लोग अटल टनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोहतांग दर्रा से सफर का अपना ही मजा है। सड़क के दोनों ओर 10 से 15 फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ों के बीच से बस व वाहन गुजरते हैं, इसलिए खासकर पर्यटक रोहतांग दर्रा खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।